ध्रुव राठी और एलविश यादव का कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रहा है, लोग भर भर के व्यूज उसमें छाप रहे हैं। और 2% के एलविश यादव मैं तेरे से भी कहना चाहता हूँ, इंडियन यूथ पे तू कलंक है साला, तू कलंक। पर आपसे भी कहना चाहता हूँ, सभी से, आप ध्रुव राठी और एलविश यादव का वीडियो क्यों देखते हो? कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। ध्रुव राठी को लगता है ऐसा, बहुत बोलता है। और आप किस तरीके से नॉलेज बढ़ता है मेरे भाई, नॉलेज वीडियो देखने से कभी नहीं बढ़ने वाला। बुक्स पढ़ी आपको कुछ वीडियो में याद नहीं रहता है, सिर्फ पता चलता है रियलिटी की, और थोड़ा डोपामाइन रिलीज होता है हमारे माइंड से और मज़ा आता है बस। याद कुछ नहीं रहता, वीडियो देखने से कभी भी कुछ भी याद नहीं रहता है मेरे भाई। यस, कोई ट्रिक मिल सकती है तो वीडियो मत देखिए, आप पढ़ाई करिए, लिखाई करिए और आगे बढ़िए, इसी कॉन्ट्रोवर्सी में मत फंसिए। 3 दिनों तक वो कॉन्ट्रोवर्सी चलती है ध्रुव राठी और एलविश यादव पर, 50-50 वीडियो आ जाते हैं उसके, और यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है इस तरीके से। क्यों उसका वीडियो देखना हमें, वो बताइए मुझे, वीडियो देखना ही नहीं चाहिए। टाइम है, लिमिट है आपके पास। एलविश यादव ये तो इंडियन यूथ पे इतना बिगाड़ने में टला हुआ है कि पूरा यूथ ही बिगाड़ दीजिए। कोई भी इंडियन आर्मी से पूछ लीजिए, एक भी वीडियो पसंद नहीं करता एलविश यादव का। क्या गैंग बना के चलना? अभी मेरे भाई पुलिस ले जाएगी, गैंग बना के क्या चलेगा तू? किसको थप्पड़ मारना, वो भी पुलिस आ जाएगी। बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखाया जाता है, बहुत बुरा है। थिएटर की रियल लाइफ अलग है, बाहर निकल के भी अलग है। इसी तरीके से एलविश यादव भी अलग है, ध्रुव राठी भी अलग है। आपको लगता है ध्रुव राठी के वीडियो देखने से नॉलेज बढ़ती है? नॉलेज नहीं बढ़ती मेरे भाई, कुछ नहीं बढ़ता। ध्रुव राठी की वीडियो देखने से सिर्फ और सिर्फ डोपामाइन रिलीज होता है और मजा आता है बस, इतना ही, कुछ याद नहीं रहता है। वो बताता है ऐसी रियलिटी है, वैसी रियलिटी है। क्या यार, क्या रियलिटी है? रियलिटी तू भी नहीं है, क्योंकि तू इंडिया के अंदर नहीं रहता है। इंडिया के बाहर वहां पे क्या जाके कर रहा है और इंडिया को चलाने की बात कर रहा है? उसका टारगेट है 2050 में चुनाव लड़ने का। मेरे भाई लड़ ही नहीं पाएगा तू, तब काफी काफी लोग आ गए होंगे यहाँ पे। एलविश यादव और ध्रुव राठी की कॉन्ट्रोवर्सी मत देखिए, आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है, पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कोई भी रियलिटी नहीं है। ध्रुव राठी का बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है वहां पे, उसको कुछ पता नहीं होता है, सब कुछ वह बोलते हैं। और एक वीडियो के अंदर ध्रुव राठी कोई भी यूट्यूबर हो, हजारों कटिस लगाता है और फिर बताता है, एक एक लाइन बोल के कटिस लगाता है और एडिट करता है, एडिट के बाद आपको मजा आता है बस, इतना ही। उसके पास भी इतनी नॉलेज नहीं होती है। आपको लगता है कितनी नॉलेज, 22 मिनट का वीडियो पे बोला है, कुछ भी नहीं बोलता वो। हजारों तो कटिस होती है उसमें, कट लगाया, कट, एक्शन, कट, ऐसा ही होता है। ऐसा फालतू का वीडियो मत देखिए। काफी लोगों है जो अच्छे वीडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पर भी गुरु मानते हैं उसको, मोटिवेशन स्पीकर, उसका भी वीडियो हमें क्यों देखना? मोटिवेशन आप अपने से नहीं हो रहा तो किसी से भी नहीं हो सकते। गला टान टान के बोल बोल के वो भी पैसा लेता है, 12-12, 13-13 लाख एक एक सेशन के लेते हैं मेरे भाई। अच्छे का वीडियो देख के संदीप महेश्वरी शो है, अच्छा बात, बाकी क्या क्यों देखना भाई हमें? आपको नॉलेज बढ़ानी है तो बुक से बढ़ाइए, बाकी बढ़ने वाली नहीं है नॉलेज आपकी, मुझे विश्वास है। 10 मिनट का वीडियो देखेंगे ना, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला आपके अंदर, क्योंकि वीडियो देखना ही बेकार है। यस, हमें मजा आता है, कहता हूँ ना, डोपामाइन रिलीज होता है माइंड से और मजा आता है। तो मजा आना कोई हमारे लाइफ का कोई मकसद नहीं है। हमारे लाइफ का मकसद है तो जीवन को चरितार्थ करना। और इंडियन यूथ को भी मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया की यूथ आप सुधरिए, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो वर्ल्ड के अंदर बेस्ट पॉपुलेशन है और यंग जनरेशन है। चाइना वाले भी मर रहे हैं, जापान वाले भी कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करिए, पर इंडिया का यूथ अभी सिगारेट, मावा, तंबाकू, कभी का नशा करने वाले लोग हैं। और लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे छपरी यूट्यूबर या कोई भी यूट्यूबर के जाल में मत फंसे। ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में पड़िए तो अच्छी जगह पे पड़िए, वो अच्छा ऑनलाइन पैसा मिलता है, मैं मना नहीं करता हूं, पर ध्यान रखिए अपना। नमस्कार, इसी बात से आप मुझे, मैं इंडिया के यूथ के लिए आगे बढ़ाऊंगा इस चैनल को, और पूरी तरीके से इंडियन यूथ मेरे साथ जुड़िए। मुझे वृद्ध आदमी की कोई अपेक्षा नहीं है, और इस चैनल पर ना आए तो ही बढ़िया है, आए तो स्वागत है, पर मैं किसी को आने के लिए नहीं कहूँगा, पर इंडियन यूथ को इस चैनल पर आना पड़ेगा, क्योंकि छपरी यूट्यूबर गालियाँ बक बक के लाखों में व्यूज पाते हैं।
मान लीजिए कि केरी मिनाटी, बिल्ली चली जाएगी ना, बिल्ली बिल्ली रास्ते पे जा रही होगी ना, तो भी गाली बकेगा, तो भी गाली देगा बिल्ली को भी। कुत्ता जा रहा है तो उसको दो तीन गालियां दी, क्या उस पर कोई दूसरा वीडियो नहीं बन सकता? बन सकता है ना दूसरा वीडियो? एक भी मैंने कट नहीं लगाया है पूरे वीडियो में, पूरा वीडियो ऐसे ही बनाया है मैंने, कोई भी सामने ऑडियंस नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेला वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और मेरे को इंडियन यूथ चाहिए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। और मेरा नाम है पाल पार्थ। जय हिंद।